सुशांत तो मुखर्जी के पास आते हैं। मुखर्जी साहब एक बात बताइए, क्या खनन पट्टे के मसले पर ऑल इज वेल है झारखंड के अंदर? एकदम ईमानदारी से बात कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद हमेशा ये रखता हूँ कि आप पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ करके भी हमेशा अपनी बातें रखें। क्या खनन पट्टे को लेकर जो नियम कायदे कानून बनाए गए या जिस तरह से आवंटित लीज को किया गया, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें सच्चाई है भी या नहीं है, या फिर वैसे ही हेमंत सरकार को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए जरा मुखर्जी, मुखर्जी साहब। देखिए, हेमंत सर माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए थे, आरोप बेबुनियाद हैं, ये हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल है कि अब आपको बता दें कि आज भी हमने न्यायालय में थे, आज भी उनकी डेट थी, जो करोड़ों रुपया 30 करोड़ 40 करोड़ घर से निकलते हैं उनका। हाँ। तो आपको बता दें कि देखिए, ये अब जांच स्लो हो गई ईडी की। ईडी जो जांच करने खोजे थे, जिस जगह पर जाना चाह रहे थे, वहां तक ईडी नहीं पहुंच पाए। ईडी का रास्ता टूर हो गया, उल्टा साइड चलने लगा। जब उल्टा साइड चलने लगा तो अपने लोगों के ऊपर जब उनका दांव भंश लगने लगा तो स्लो हो गए। बताइए, मनरेगा की जांच करना था, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जो खान अलॉटमेंट किए थे, जो ओपन कास्ट जो अलॉटमेंट किए थे, वो भी उसके भी जांच हो रही है। लेकिन घूम के जब इसके तरफ आने लगे तो वो देखे कि भाई, एक अंगुली तो आपके तरफ उठा रहे लेकिन तीन अंगुली मेरे ऊपर आ रहा, तो इसको बस स्लो कर दो। 14-15 महीना रहेंगे ऐसे, फिर देखिएगा उसी वही मैडम देखिएगा बाहर में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, सारा चीज है। क्योंकि आपको एक चीज बता दे, हमारे पास जो जानकारी है, अभी तक ईडी ने जो 5000 कुछ समथिंग जांचें की है अभी तक देश में, तो उसमें बताइए 5000 को तो बाहर कर दीजिए, तो हमको लगता है 30-35 पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ इन लोग अब हो गया ईडी मतलब डराओ, एंटी पार्टी है उसको डराओ, जहां पर उसकी सरकार नहीं चल रही है, मतलब बीजेपी के जहां सरकार नहीं चल रही है उनको हड़काओ डराओ, ये चीज अब लोग जानने लगे हैं।